चलते हैं हम आज के वर्कआउट में। आज का वर्कआउट पूरी बॉडी का है, फुल बॉडी वर्कआउट है। आर्म्स है, एब्स है, थाई है, इनर थाई है, साइड एब्स है, सारा सारा आपका फुल बॉडी वर्कआउट है। तो चलते हैं हम पूरी तरह से, थोड़ा सा बॉडी को हिलाएंगे डुलाएंगे सूक्ष्म क्रियाओं के साथ, श्वास के साथ जुड़े रहेंगे हम। हाथ लेना है, नीचे हाथ लेकर जाना है, श्वास भरनी ऊपर है, श्वास छोड़नी नीचे है। कंटिन्यू कंटिन्यू चलेंगे 40 टाइम। आपको वर्कआउट करना है, 20 टाइम आपको रेस्ट करना है। श्वास छोड़ती नीचे एंड धीरे से रिलैक्स। गहरी श्वास लेते छोड़ते रहेंगे। थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हो रेस्ट के समय पर। नेक्स्ट आपको वन स्क्वाट के साथ पंच मारना है। रिलैक्स, 20 सेकेंड का रेस्ट है। और नेक्स्ट क्या है आपको, ये करना है आपको श्वास छोड़ते हुए। हर मूवमेंट को आपको श्वास के साथ ही चलना है। तो स्टार्ट करेंगे अल्टरनेट, रिलैक्स 40 टाइम वर्कआउट, 20 टाइम रिलैक्स। नेक्स्ट क्या करना है देखिए, ओके स्टार्ट। एंड रिलैक्स, रेस्ट करना है। नेक्स्ट क्या करना है देखिए, श्वास भरना और छोड़ना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
बॉडी, आप पूरी बॉडी के लिए ये कर सकते हो। अब आपका आ गया ये एब्स, तो एब्स के लिए आपको क्या करना है देखिए, इस तरह से आपको नी आप ही रखनी है, श्वास छोड़ना है, श्वास भरना है। धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लेते हो, छोड़ते रहेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आप क्या करोगे, स्टार्ट एंड रिलैक्स। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, ये करना है। ओके स्टार्ट, रिलैक्स। नेक्स्ट रेस्ट चल रहा है इस समय, नेक्स्ट ये करना है आपको, स्टार्ट। गहरी सांस लेते हैं, छोड़ते रहेंगे, रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट ये करना है, सांस छोड़ेंगे जब आपका पेट दबेगा। ओके स्टार्ट,
धीरे से रिलैक्स। पांच एक्सरसाइज आपकी एब्स की जो हो गई है। अब आ गया हमारा आर्म्स, तो आर्म एरिया आपको कैसे करना है, इस तरह से लेके आपको ऊपर नीचे फ्लाई, श्वास लेते छोड़ते रहिएगा। एक्सरसाइज है आपकी, दोनों घुटने आपको बेंड करना, हल्का सा बेंड होगा और दोनों हाथों को आपको पीछे पुश करना है अच्छे से, इस तरह से आपको, इस तरह से आपको पुल करना है। तो ओके स्टार्ट, श्वास भरेंगे श्वास छोड़ेंगे। स्ट्रेंथ के लिए ही हम जा रहे हैं सेकंड थर्ड एक्सरसाइज। आपको क्या करनी है देखिए, इस तरह से आपको जाना है, श्वास छोड़ते जाएंगे नीचे और श्वास भरते जाएंगे ऊपर। तो इस एक्सरसाइज के साथ चलते हैं स्टार्ट। लेते छोड़ते रहेंगे। अब आपको प्लैंक में होल्ड करना है सिंगल हैंड, तो एक हाथ से ही होल्ड करना है आपको। बैलेंस के लिए जाएंगे, दूसरा हाथ प्लैंक में होल्ड करना है। एंड रिलैक्स। हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आगे चलते हैं। देखिए ओके, तो ये करना है आप लोगों को, तो स्टार्ट।
की एक्सरसाइज खत्म। अब आ गई हमारी पैर की, तो पैर के लिए हम क्या करेंगे देखिए, स्क्वाट। पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, पैरों की चर्बी खत्म करने के लिए श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते ऊपर। रिलैक्स। नेक्स्ट पैरों के लिए ही है छोड़ेंगे, कंटिन्यू श्वास के साथ जुड़े रहेंगे। एंड लेग चेंज कर लेंगे, अब लेग चेंज करेंगे, दूसरा पैर आ जाएगा। स्टार्ट। रिलैक्स। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, आपको ये पैर सीधा करना है और ऐसे लेकर आना है, श्वास छोड़ना है, श्वास भरना है। ओके स्टार्ट। लेग चेंज कर लिया है, रिलैक्स। पैर की ही दूसरी एक्सरसाइज है, क्या करना देखिए। ओके स्टार्ट। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। लेग चेंज कर लेंगे, धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए। क्या करना है, होल्ड करेंगे, तो प्लैंक होल्ड करना है वन लेग से। ओके स्टार्ट।
इनर कोर और साइड की के लिए है ये। लैग चेंज कर लेंगे। रिलैक्स, ये इनर कोर और साइड के लिए। ओके, देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये साइड में आपको डिप करने हैं। एंड रिलैक्स। तीसरी एक्सरसाइज इनर कोर और साइड के लिए। आपको होल्ड करना है। कैसे होल्ड करेंगे आप? दोनों हाथों को ऐसे रखिए, थोड़ा सा बॉडी को उठा लीजिए और हाथ कैसे लगा लीजिए, रोक लीजिए अपने आप को। आप एल्बो भी जमीन पे लगा सकते हैं। एंड चेंज करेंगे साइड। एंड धीरे से रिलैक्स, रेस्ट करेंगे। अब ये थाई के लिए है, तो थाई के लिए क्या है, आप एल्बो के बल भी आ सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं ये। ओके स्टार्ट। नेक्स्ट देखे, क्या करना है आपको। ओके स्टार्ट। रिलैक्स, गहरी सांस लेते हो, छोड़ते रहिए। नेक्स्ट इसे से लेकर थाई को ऊपर उठाना है। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे।
गोल गोल घुमाएंगे। एंड चेंज करेंगे लैग, रेस्ट कर लीजिए। ओके स्टार्ट। अप एंड डाउन, सांस भरते ऊपर सांस छोड़ते नीचे। गोल गोल घुमाइए। एंड चेंज, साइड चेंज। इस तरह से आएंगे, रेस्ट करेंगे अभी। इसे रख लीजिए। इनर थाई को कैसे करना है आपको, ये ऊपर उठाना है, सांस भरते ऊपर सांस छोड़ते नीचे। ओके स्टार्ट। एंड चेंज करेंगे साइड। रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए, थाई के लिए ही है। देखिए क्या करना है आपको, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते ऊपर। ओके तो स्टार्ट करेंगे हम। चेंज कर लेंगे साइड। सामान्य श्वास पर रिलैक्स करेंगे। आ जाएंगे आप नाव चलाएंगे।
रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ रही है। दोनों पैरों में गैप, चक्की चलाएंगे। श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते ऊपर। रिवर्स, एंड रिलैक्स। भुनामनासन, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। एंड रिलैक्स। एंड आएंगे आप पेट के बल, भुजंगासन, श्वास भरते ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते नीचे आएंगे। एंड रिलैक्स। एंड अब हम एक बार होल्ड करेंगे, सामान्य श्वास पर रुके रहेंगे। कोशिश कीजिए इतना ऊपर उठाने की। चेंज करेंगे हम, श्वास भरते ऊपर उठाना है पैर को और उसको टिका देना है, सामान्य श्वास पर रुके रहना है। एंड रिलैक्स।
से ऊपर उठाना है और सामान्य श्वास पर होल्ड कर लेना है। एंड धीरे से रिलैक्स। आ जाएंगे प्लैंक में, होल्ड करेंगे एक बार। धीरे से रिलैक्स। आएंगे पीठ के बल। अप एंड डाउन करेंगे। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। अल्टरनेट। धीरे से रिलैक्स। एंड चेंज करेंगे सर्कल क्लॉकवाइज। श्वास भरेंगे ऊपर, श्वास छोड़ेंगे नीचे। रिलैक्स। एंड चेंज साइड टू साइड 30 डिग्री। रिलैक्स। एंड चेंज करेंगे हम बटरफ्लाई इन एंड आउट 30 डिग्री। श्वास सामान्य स्थिति में लेते छोड़ते रहेंगे। एंड 60 डिग्री।
एंड 90 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड रिलैक्स होल्ड करेंगे एंड चेंज करेंगे होल्ड होल्ड के समय पे सामान्य श्वास चलेगी एंड रिलैक्स को लेकर आना है नाक से टच कराते हुए श्वास बाहर निकालनी है रिलैक्स होल्ड करना है रिलैक्स होल्ड करेंगे एंड चेंज करेंगे साइड एक बार फिर समझ लीजिए पंजे को ऐसे रखना है पंजे की जो उंगलियां है वो बाहर की साइड होंगी आपका घुटना नीचे दबाने की कोशिश करनी है और जो सीधा पैर है उसका घुटना भी जमीन पे दबाने की कोशिश करनी दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है शरीर के एक एक अंग में खिंचाव बढ़ गया है आंखें बंद करके महसूस कीजिए इससे हमारी रीढ़ की हड्डी बैलेंस होती है एंड फिर बैलेंस करेंगे दूसरे पैर को भी इसी तरह से खींचेंगे घुटने को जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे दोनों हाथों को ऊपर सिर के पास ले जाएं खींचें एंड धीरे से रिलैक्स गहरी सांस लेते हैं छोड़ते रहिए आएंगे अब हम श्वेतवंदासन के लिए
एंड नेक्स्ट होल्ड एंड धीरे से रिलैक्स। होल्ड करेंगे एंड लेट इट अगेन। पकड़िए पैर के पंजे को अच्छे से, श्वास गहरी भरिए और ले जाइए साइड में, गर्दन अपोजिट साइड। एंड बैलेंस के लिए लेकर आएंगे दूसरे पैर को, पकड़ेंगे हम पैर के पंजे को अच्छे से, श्वास गहरी भरेंगे और श्वास छोड़ते ही ले जाएंगे पैर को अपोजिट साइड, गर्दन अपोजिट साइड। एंड धीरे से रिलैक्स, गहरी श्वास लेते हैं, छोड़ते रहिए। नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सामान्य श्वास पर, आंखें बंद, थोड़ा दाएं बाएं, आंखें बंद, उठाएंगे ऊपर नीचे रख देंगे, उठाएंगे ऊपर नीचे रखेंगे, उठाएंगे ऊपर नीचे रखेंगे। आपकी गर्दन को भी पूरी तरह से रिलैक्स दिलाना है, ऊपर खींचे नीचे लेकर आए, दाएं साइड लेकर जाए, बाएं साइड लेकर जाए, फिर ऊपर खींचे नीचे लेकर आए, बाएं दाएं। इस तरह से आपको दो चार बार इस तरह करना तो गर्दन का पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है। गर्दन का दर्द है, गर्दन का खिंचाव किसी भी तरह का, आप नीचे पिलो लगा सकते हो, अपने गर्दन का जो उठा ये बीच का कर्व वाला भाग है उसके नीचे पिलो लगाकर, या आप टॉवल को लपेट कर यहाँ पर रख ले और फिर मूवमेंट कराए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। गर्दन का दर्द दूर करने के लिए बेहतरीन उपाय है यह, आप अगर करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपको लाभ होगा दर्द में, गर्दन के दर्द में। बैठ जाएंगे हम, कपालभाति क्रिया करेंगे।
बैक भस्त्रिका प्राणायाम। रिलैक्स, भुजाई प्राणायाम, अगेन लास्ट टाइम भ्रामरी प्राणायाम के लिए कान बंद, आंख बंद, सभी उंगलियां सभी ऑर्गन पर रखते हुए और गुंजन क्रिया करनी है सांस छोड़ते हुए। रिलैक्स, अनुलोम विलोम प्राणायाम, राइट नोस्टल बंद करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे श्वास अंदर, राइट से बाहर निकालेंगे, राइट से भरेंगे अंदर, लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। इसी क्रम को बारंबार दोहराते चले जाएंगे। धीरे से रिलैक्स। महाप्राण ध्वनि
नमस्कार मुद्रा, शांति प्रार्थना। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णत्वे पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, गरम गरम हथेली अपने आंखों में लगाते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो, हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति 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 ओम। अपनी पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देवता गुरु देवता समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे, हम एक दूसरे से नमन करेंगे, अपने आसन को नमन करेंगे, पैर को खोलेंगे हम, पैर के पंजे का मूवमेंट कराएंगे थोड़ा सा, अल्टरनेट अंदर बाहर, गोल गोल घुमाएंगे, श्वास सामान्य तरीके से लेते छोड़ते रहिए एंड रिवर्स। Stretch your fingers. बटरफ्लाई करेंगे, कमर बिल्कुल सीधी,